हेलो दोस्तों, तो हम लोग आज रिव्यू कर रहे हैं कि ये जो बर्नर है, ये ब्यूटेन बर्नर है। ये बर्नर किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं और क्या हम घर होम यूज़ में कैसे इसको यूज़ करते हैं। ये मैंने ऑलमोस्ट 450 रुपीज़ का अमेज़ोन से मंगवाया था, बट ये इसकी ऑलमोस्ट कीमत 150-150 रुपये जैसी है। बट देखते हैं हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इसको जब ये इसको पूरा जो इसका लॉक सिस्टम है, ये आपको उठा ऐसे जब दबा के आप करेंगे तो ये सिंपल सा ओपन हो जाता है। ये ऐसा जैसे कोई हमारी परफ्यूम की बोतल होती है ना वैसा। तो इस बर्नर को लगाने के लिए आपको बस इसको लगा दबा के ये यहाँ रखना है। ये इस साइड जो ये है ना, इस साइड यहाँ पे इसका ये ब्लैक वाला है, इसको यहाँ ब्लैक वाले को इस सीध में रखना है और हल्का सा प्रेस करना है और प्रेस करके राइट साइड घुमाना है। प्रेस करके राइट साइड घुमाते हैं तो हम देखते हैं कि ये फिट हो गया, अभी निकल नहीं रहा है क्योंकि ये जो नीचे एक लीवर है, इस लीवर में फंसना चाहिए तभी जाके ये सही से होगा। अब इसको आप चेक कर सकते हो टेस्ट, तो जैसे ही करते हैं तो इसमें कोई आवाज़ आती है गैस की, ये इस काइंड की गैस की आवाज़ आती है। तो आप क्या कीजिए, हल्का सा गैस को ऑन कीजिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं क्योंकि ये स्लिप भी होता है। हल्का सा आप इसमें ऑन करेंगे और उसके बाद अगर आप माचिस की काड़ी से हल्का सा ऑन करके इसको माचिस की काड़ी से अगर आप इसमें जला के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो ये एक काड़ी हम जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की ब्लू फ्लेम आने लगती है, ये ब्लू फ्लेम आने लगती है और ये कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। ब्लू फ्लेम को देख सकते हैं कि ब्लू फ्लेम आ रही है और इस तरह से हम इसको बंद कर सकते हैं, तो ये अपने आप ही बुझ जाएगा, इसको बुझाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अच्छा है, मल्टीपर्पज़ है, पर ज़्यादा टेम्परेचर में अगर यूज़ करते हैं तो ये थोड़ा सा इसका जल के थोड़ा सा बेकार हो गया, ये आगे का जो बर्नर का है, बट ये बेकार हो जाता है। बाकी ये होम यूज़ के लिए केक या कुछ जो जनरल मफिन्स बनाते हैं उनमें ईजी होता है यूज़ करने के लिए और लेडीज़ भी ईजीली यूज़ कर सकती है। इस पर पूरा इंस्ट्रक्शन वेल्डिंग के लिए पूरा दिया हुआ है, तो आप इसको ईजीली यूज़ कर सकते हैं। और कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू दोस्तों।